चतरा सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली के विरुद्ध परिवादवाद दायर। चतरा सदर थाना क्षेत्र के गोड़ाई गांव के राजेंद्र राम ने अपने अधिवक्ता राधेश्याम प्रसाद यादव के माध्यम से सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतरा के न्यायालय में परिवादवाद दायर किया है। न्यायालय में दायर परिवादवाद में राजेंद्र राम ने कहा है कि बीते 2 जून को सुबह 7 बजे वह व्यापारी से मुर्गी बेचकर लौट रहा था। इस दौरान घर के पास ही प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, सुमित्रा प्रजापति और सीता देवी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर 55,000 मूल्य की सोने की चेन और नकद 20,000 रुपये छीन लिए। अधमरा और घायल अवस्था में ग्रामीणों ने मुझे सदर थाना ले गए। इस दौरान सदर थाना के सहायक अवर निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने जख्म प्रतिवेदन काट कर तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर अरविंद केसरी ने प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण बेहतर इलाज के लिए सेक भिखारी अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया। वहाँ राजेंद्र राम 4 जून तक भर्ती रहा। हजारीबाग अस्पताल से लौट कर जब वह उपरोक्त लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने 8 जून को सदर थाना पहुंचा तो सदर थाना प्रभारी ने उन्हें दिन भर थाने में बैठा कर दूसरे दिन आने को कहकर घर भेज दिया। थाना प्रभारी के बर्ताव से क्षुब्ध राजेंद्र राम ने SP को आवेदन दिया। इसके बाद राजेंद्र राम ने 11 जून को पुनः सदर थाने गए तो थाना प्रभारी ने उनके साथ गाली गलौज करने लगे और बोला कि सुमित्रा प्रजापति का केस कर दिए हैं और कहा कि आज की डेट में आवेदन दो नहीं तो दूसरे केस में फंसा देंगे। इस पर राजेंद्र राम ने थाना प्रभारी को बताया कि मेरे साथ मारपीट और लूट की घटना बीते 2 जून को हुई है। उसी दिन थाना से जख्म प्रतिवेदन काटा गया है। सुमित्रा प्रजापति का कोई जख्म प्रतिवेदन नहीं है, फिर भी उनका केस 6 जून को ही कर दिया। मेरा जख्म प्रतिवेदन के बावजूद मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बताया कि आरोप बेबुनियाद है, वाद दायर करने वाला हमें पहचानता भी नहीं है। मारपीट की घटना संज्ञान में है, दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया था लेकिन राजेंद्र राम नहीं आए।